मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए गुरु जो इतने दिन से पंचम भाव में तुला में बैठे थे और उनके बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे थे, बच्चों के विषय में उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज्यादा सोच रहे थे, तो अब गुरु वहां से हट रहे हैं। आपको बच्चों से रिलेटेड परेशानी खत्म। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी आपको विरोधियों से रिलेटेड अब हो सकती है, हो सकता है ननिहाल पक्ष से आपको थोड़ी सी कम, कहते हैं ना कि कम आप पर ध्यान रहे उनका, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि आपके बहुत विरोधी खड़े हो जाएंगे और बहुत ननिहाल पक्ष से नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं। गुरु अपनी जलीय राशि में आ रहा है तो इतना बड़ा नुकसान नहीं देने लगा कोई आपको। आपको लोन्स वगैरह लेने हैं तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ये न के इन प्रकार है ना, आप मैनेज कर लेंगे अपना लोन, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव से। पंचम भाव से गुरु देखेंगे आपके दशम स्थान को और अचानक कार्य में वृद्धि हो जाएगी। मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा इतना आपको काम करना पड़ेगा, आपके पिता इसमें आपका सहयोग देंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके जो काम करने वाले लोग आपसे बहुत खुश रहें, जो इतने दिनों में 10-11 साल में आपको उन्नति नहीं मिली है कि काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, वो काम मिल जाएगा। अब ये काम निभाना आपका काम है। तो जो गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके द्वादश स्थान पे, वो कहती है आपसे कि खर्चा कम करो, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे विदेश रिलेटेड यात्रा हो, चाहे आपकी तबीयत हो, थोड़ा सा अपने आप को नेचुरली ठीक करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा आप प्रेम संबंधों पे अंट बंट पैसा उड़ाना कम कीजिए, आप विदेश रिलेटेड यात्राओं में अनाप शनाप खर्च मत कीजिए, आप ऐसा कोई बड़ी बड़ी पूजा पाठ ऐसा कुछ करके और बड़े बड़े खर्चे एकदम से ना दिखा दीजिए। आपके खर्चे होने के पूरे योग रहेंगे और होगा वही जो राम रच रखा, लेकिन फिर भी आप अपना धन संभाल के रखें, धन संभलेगा भी, क्योंकि नवम दृष्टि फिर कहाँ पड़ती है, आपके धन भाव पे, आपके द्वितीय भाव पे, इससे आपके बोलने का काम बढ़ेगा, आपकी वाणी में हो जाएगा, सात्विकता आएगी, लोग आपको नमस्कार करेंगे, लोग आपको प्रणाम करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके परिवार वाले आपसे खुश रहेंगे। वहां बैठा राहु आपको बड़े परिवार वालों से दूर करवा रहा था इतने दिनों से, तो अब जो ये दृष्टि पड़ेगी गुरु की, उसकी वजह से आपकी वाणी में हो जाएगा और आपके काम बनते नजर आते हैं। पैसों से रिलेटेड मुझे, आपके बोलने से रिलेटेड काम मुझे बनते नजर आते हैं। एक बात ध्यान में रखिए आप, कि आपका धन जितना आएगा आपको संभाल लेना है, आपको उसको वेस्ट नहीं कर देना है।